लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, देश में राजनीति के नाम पर और राजनीतिक भाषण देने के स्वतंत्रता के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, इस नंगा नाच पर कोई राजनीतिक दल बोले ना बोले, हमने बोलना तय किया है। कोई मीडिया हाउस इसके खिलाफ बोले ना बोले, हमने तय किया है। और हम आज आपके सामने दोबारा करीब एक साल के बाद ओवैसी बंधु और उनके पार्टी के नंगा नाच को लेके कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम पूछ रहे समस्त हिंदुस्तान को ये सवाल कि आखिर इन ओवैसी बंधुओं का एमआईएम पार्टी का नंगा नाच बंद होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इनके भाषणों को अगर आप देखेंगे तो ये इतने जहरीले है कि इसको इसके कान में शब्द जाते ही जहर फैल जाता है। ये इतने धर्म विरोधी है कि एक दूसरे धर्मों के खिलाफ लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके दल ने भले ही महाराष्ट्र में दो एमएलए जीते हो, लेकिन महाराष्ट्र के दो टुकड़े करने में यह कामयाब रहा है और बड़ी मात्रा में वोट तो लिए ही है। लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध तो जहर फैलाया ही, मुसलमानों के मन में भी देश के प्रति और हिंदुओं के प्रति जहर फैलाने में इसने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए इस पर कार्रवाई होने तक पिछले बार हमने लगातार कार्यक्रम चलाया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लंदन से वापस बुलाकर अरेस्ट किया था। और अब हम दोबारा वही करने जा रहे हैं कि जिस क्राइम के लिए, जिस गुनाह के लिए इसको पिछले बार अरेस्ट किया गया था, वही गुनाह ये बार बार कर रहा है और फिर भी ये बाहर कैसे है। हम आपको दिखाएंगे इसके वो जहरीले भाषण, जो भाषण इसने इस इलेक्शन में दिए, और पूछेंगे चुनाव आयोग को कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे तमाम विषयों को लेकर अगले तीन दिनों तक, आज का शुक्रवार, कल का शनिवार और रविवार, हम आपके सामने लाइव ये बिंदास बोल लेकर आ रहे हैं। इसका रिपीट टेलीकास्ट आप रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे देख सकते हैं। और इन तीन दिनों में अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से हम फिर प्राइम टाइम में इस मुद्दे को लगातार लेके आएंगे, तब तक जब तक ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जरा देखते इसकी एमआईएम है क्या। बाबरी मस्जिद छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना काशी छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना मथुरा छोड़े थे ना छोड़ेंगे। संस्थापक नेता बहादुर यार जंग भारत द्रोही था, साथ ही वो हैदराबाद को भारत में मिलाने का कड़ा विरोधी था। अपने अलग विचारों के चलते संगठन का अलग संविधान, झंडा और काम करने के तरीके बनाकर उसने उस समय के मुस्लिम लीग से संबंध स्थापित किया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को भारत से तोड़ने के लिए हैदराबाद की जनता को धमकाने और अपने दबाव में रखने में भी वो आगे था। 15 सितंबर 1948 को भारत ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर उसका संस्थान 17 सितंबर को भारत में मिला लिया। उसी दिन भारत सरकार ने इत्तेहाद उल मुसलमीन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध साल 1957 में हटाया गया। इत्तेहाद उल मुसलमीन का मूल इतिहास यहाँ खत्म तो हो गया था, लेकिन उसकी जड़ें जिंदा थी। साल 1974 में उसके कार्य को पूरा करने का मां सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इत्तेहाद उल मुसलमीन के काम करने के पुराने तरीके को फिर से जिंदा किया। इतना ही नहीं, उसने इस्लामी राज्य प्रस्थापित करने की राजनीति फिर से शुरू कर दी। आगे चलकर सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने दल का उत्तरदायित्व तो अपने दोनों बेटों बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दिया। आज इन दोनों भाइयों का हैदराबाद में दबदबा है, यहाँ पर इनकी सत्ता चलती है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो कुल 24 सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में इस पार्टी के दो विधायकों ने अपनी जीत भी दर्ज कराई। अब इसे दहशत नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि यहाँ की जनता इन दोनों भाइयों का विरोध नहीं करती, चाहे ये कितने ही भड़काऊ भाषण क्यों न दें। विवाद को पैदा करने में तो इन दोनों भाइयों ने महारत हासिल की हुई है। बड़ा भाई असादुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है, तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक। दोनों की शिक्षा तो उच्च स्तर की है, लेकिन स्थानीय स्तर की गंदी राजनीति करने में ये पीछे नहीं है।
कुख्यात होने पर भी वे सरकार को सदा अपने दुष्कृतियों को अनदेखा करने के लिए विवश करते हैं। दोनों ही भाई कट्टरवाद को आगे रखते हैं, किसी न किसी बहाने हैदराबाद की जनता को भड़का देते हैं और अपने भाषणों में हिंदू और हिंदुओं के भगवान पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को तो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देखा जाता है, जो हिंदू मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा फैलाने और देश को बांटने वाले अनेक सार्वजनिक भाषण करता रहता था, जिसके चलते देश का विभाजन भी हो गया था। आज ये दोनों ओवैसी भाई भी भारत को बांटने पर तुले हुए हैं। इनका जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो ये इसी तरह भारत में भड़काऊ भाषण करते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है, कॉल करना है, वॉइस कॉल करना है, स्काइप कॉल करना है, आपका वीडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर भेजना है, आपकी सारी अभिव्यक्ति को हम सुदर्शन के ये बिंदास बोल में विदाउट सेंसर सीधे लाइव दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि इनकी बकवास पर हिंदुस्तान अपनी बेखौफ होकर प्रतिक्रिया दे। हैदराबाद के वो लोग जो इसके जुल्मों और आतंकों को डर कर वहां मुंह नहीं खोल सकते, वो भी कॉल कर अपनी बात को कहे, बताए हिंदुस्तान को कि जहां पर ये लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच करते उस हैदराबाद में भी क्या स्थिति है, और महाराष्ट्र के चुनाव में हुए भाषण तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। एक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। ओवैसी जैसे लोगों को राष्ट्र का मन करके इन्हें सारी जिंदगी जेल में रखना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देना चाहिए और जरूरत पड़े तो इन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए, जब इनका बोल बंद होगा। धन्यवाद। हम आपको ये कॉलर कह रहा है कि रासुका के नीचे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की चीज है कि इसको पिछले बार भी जब अरेस्ट किया गया तो महज 10,000 रुपए की, केवल 10,000 रुपए की जमानत पर इसको रिहा किया गया। देशद्रोह का आरोप जिसके ऊपर लगा उसको केवल 10,000 की जमानत पर अगर रिहा किया जाता है तो उसके बाद आखिर कैसे ये बोलना बंद करेगा। इसको ये अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने वीडियो दर हम आपको दिखाकर शुरू करते, शुरू के दो वीडियो पुराने दिखाते जिससे कि आपको रिकॉल हो, या जिन्होंने ये नहीं देखे हैं क्योंकि सुदर्शन छोड़ के देश के किसी भी चैनल ने इसके वीडियो नहीं दिखाए थे, वो जहरीले हम आपको दो वीडियो पहले दिखाते हैं, उसके बाद इस चुनाव में इसने क्या कहा ये भी दिखाते, जरा दिखाते कि हिंदू भगवानों के बारे में ये क्या कहता है। काफी नहीं है मुतहिद होने के लिए? क्या मुजफ्फरनगर का फिसाद काफी नहीं है मुतहिद होने के लिए? क्या आसाम की जलती हुई हमारे बस्तियां क्या काफी नहीं है इंतजार को खत्म करके मुतहिद होने के लिए? अरे मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम मुंतजर हो तो किस तबाही के दस्तक देने के इंतजार में हो? आखिर कब उठोगे? मुजफ्फरनगर में कैसा हुआ? अरे मेरी एक बहन दौड़ती हुई सरपंच के पास गई ये सोच करके सरपंच बचाएंगे, घर में सरपंच ने उसको बिठाया, कमरा बंद किया, ढोल मंगाया, ढोल बजा बजा कर लोगों को बारी बारी छोड़कर उसकी इस्मत को, उसकी आबरू को लुटा। ये इस चुनाव में बोला हुआ आपको गलती से दिखाया गया है, ये बाद में दिखाना था, लेकिन इसमें भी ये लोगों को कैसे उसकाता है। जो घटना घटी ही नहीं उस घटना को झूठ बोलकर, जोर से बोलकर आपके सामने बताता है। जो घटना ये बता रहा है, मुजफ्फरनगर के दंगों में इसके समर्थकों ने भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया जिसमें ये महिला की लूटती हुई आबरू के बारे में बताता है। ये महाराष्ट्र में ये घटना बता रहा है, आंध्र प्रदेश में बता रहा है, दूसरे राज्यों में बता रहा है, और लगातार आजादी के बाद से अब तक के मुसलमानों के खिलाफ हुए दंगे और अत्याचारों की बात करके लोगों को उसका कर धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है। हम आपको इसका एक पैकेज दिखाते हैं, जो मैं पुरानी वाली बात कर रहा हूं कि ये भगवानों को 8 दिन में तैयार करने की क्या बात करता है, देखिए। ठीक है, और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदाया हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई
हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। इसके बाप के जन्म के पहले से हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन उसको याद नहीं कहता है, पता नहीं कहता है। और सबसे आपत्तिजनक बात कि ये हिंदू देवी देवताओं के नामों को नापाक कहता है, नाजायज कहता है, और ओम महफिल को पाक कहता है, जहां पर खड़े होके ये आपको गाली दे रहा है, लात मारा है, और आपके सामर्थ्य को चुनौती दे रहा है, आपके आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। इसके ये वीडियो आप देख चुके हैं, पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आपको रिकॉल हो इसके लिए एक और दो और दिखाएंगे, लेकिन पहले कॉलर के पास चलते कि कॉलर क्या कहना चाहता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सूरज जी जय हिंद। हाँ, हमको तो सूरज जी आप नाराज नहीं होइएगा, मतलब हमको ये कहना है कि जब कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, उन्हें गोली मार दी जाती है। हाँ। लेकिन हमारे सरकार प्रशासन और सबसे बड़ी बात, हमारे शिवसेना के लोग थे कहाँ जब ये कुत्ता भौंक रहा था, तो जब ये कुत्ता भौंक रहा था तो हमारे शिवसेना के लोग कहाँ थे, बोलते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं। बिल्कुल, कोई हिंदुवादी इसके खिलाफ नहीं बोला। ये क्यों नहीं बोला, ये मैं परसों बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेकिन आज हम इसको पूछ रहे हैं आपको, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान ने तय करना है कि इनको कैसे रोकना है। एक और वीडियो हम आपको इसका दिखाते हैं, ये क्या कहता है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 294 है, 294 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं, शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये, इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है। ये नांदेड़ में दिया गया भाषण है, हम इसका वो पार्ट आपको दोबारा सुनाते हैं जो बात थोड़ी देर पहले कॉलर ने कही ठाकरे को लेके, जरा सुनिए क्या कहता है ये, क्या बोलता है, सुनिए। आपके सामने एक और वीडियो दिखाते हैं, इसी में आपने अगर सुना होगा एक पार्ट ये क्या कहता है, क्योंकि महाराष्ट्र जहां पर ठाकरे अपने आप को गुमान मानते हैं, उनके उनके वहां पर किए कामों को अगर हम भी माने तो भी, लेकिन ओवैसी के इस भोकने पर उनमें से कोई भी क्यों कुछ नहीं बोला, ये सवाल तो बनता है। देखिए क्या कहता है। हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। ठाकरे भागरे आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस साहबान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। ये ठाकरे को इन्होंने चैलेंज दिया, इसने चैलेंज मोदी को भी दिया था, और मोदी को हैदराबाद आने के लिए कहा था, मोदी ने हैदराबाद जाकर दिखाया था। मैं खुद इस कार्यक्रम से उद्धव ठाकरे को और शिवसैनिकों को कहता हूं कि इसके चैलेंज को स्वीकार करके हैदराबाद जाके दिखाओ। ये वीडियो सुनकर आपको कुछ नहीं लगता है क्या, मैं दोबारा चलाने के लिए कहता हूं कि ठाकरे नाम और उद्धव ठाकरे तो मोदी के बाप का नाम ले रहे थे, ये तो ठाकरे के मां का भी उल्लेख कर रहा है, जरा देखिए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस साहबान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है
मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। क्या ये राजनीतिक मन से दिए जाने वाले भाषण है? चुनाव आयोग बताए, क्या इस प्रकार की भाषा ये मुसलमानों को भड़काने के लिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए नहीं है? लेकिन इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका नंगा ना जारी है। अगले कॉलर, जय हिंद। बिल्कुल बोलिए। हाँ सर, मैं मेरठ से कपिल मोहन शर्मा। हाँ, मैं ये जो आपके चैनल जो दिखाया जा रहा है, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। कि जो ये ओबीसी कुछ भी बोलता है इस चैनल पे, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, तो न्यायालय इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, हम यही कह रहे, सो मोटो एक्शन लेने वाला न्यायालय कहाँ है? अगर बीमारी का बहाना बनाकर बाहर प्रचार करने वाले चौटालों को अगर रिकॉल किया जाता, उनकी जमानत कैंसिल की जाती है, तो इस व्यक्ति ने वही भाषण, वही भाषा, वही उद्देश्य दोबारा दोहराया है जिसके लिए इसको पहले अरेस्ट किया जा चुका है, इसको बेल मिली है, तो ये बाहर कैसे घूम रहा है? ये न्यायालय को भी सवाल है, उसकी विश्वासार्हता को सवाल है, उसके ईमानदारी पर सवाल है, उसकी व्यवस्था पर सवाल है, और उसकी कार्यक्षमता पर भी सवाल है कि न्यायालय कहां है। अगले कॉलर, जय हिंद। मेरा नाम राहुल गिहार है। हाँ। और मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हूँ। बोलिए। खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये भाषण दिए जा रहे हैं, इन साहब ने जो पहले भाषण दिया था वो कहा था कि अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, ये यहीं पर हैं, यहीं पर हैं और यहीं पर मरेंगे। ऐसे भड़काऊ भाषण के इस नासूर को हमारी केंद्र की सरकार तुरंत इस व्यक्ति के लिए जेल में डाल देना चाहिए। और चुनाव आयोग यदि इतना सख्त है, कई नेताओं को चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता का उल्लंघन मारता है, तो महाराष्ट्र चुनाव में दिए गए इस भाषण के लिए चुनाव आयोग क्यों नहीं आचार संहिता का उल्लंघन मारता है? और मेरा मानना है कि जिस तरह से ये मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को इसमें आगे आना चाहिए और जो हिंदूवादी संगठन है उन्हें आगे आना चाहिए और ऐसी नासूर को तुरंत ही ऐसे भाषणों पर काबू किया जाना चाहिए। ये हम लोगों की एक मांग है और निश्चित रूप से। लेकिन आप क्या करेंगे? आप बीजेपी को और शिवसेना को करने के लिए कह रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैं ये करूंगा कि यदि इसमें नष्ट करने के लिए यदि है ये भाषणों की, तो मैं निश्चित रूप से साथ हूँ, मेरा परिवार साथ है। मैं आज आपको आपको कॉल में जो होल्ड पर है, आपको और दर्शकों का आह्वान करता हूँ कि इसके खिलाफ आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में केस कर सकते हैं। क्या आप करेंगे? निश्चित सर, निश्चित, मगर इसका कुछ प्रूफ। मैं दर्शकों को कहूंगा कि इसको पिछली बार भी जब हमने आह्वान किया था तो 40 से ज्यादा केसेस इसके ऊपर हुए थे। ऐसा एक जाकिर नाइक था जो हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता था, चुनौती देता था, अपने कुतर्क देता था, उसके खिलाफ भी हमने जब उसका नंगा नाच चलाया तो उसको भी भारत से, इतने भारत भर से केसेस हुए कि आज देश में उसको घूमना मुश्किल हो गया है। इस ओवेसी को भी रोकने के लिए कानून का सहारा लीजिए, आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, अगर पुलिस स्टेशन केस नहीं ले रहा है तो हमको फोन करिए, और उसके बाद भी अगर नहीं ले रहा है तो आप न्यायालय में जाइए, वहां पर आप केस कर सकते हैं। इसको देश भर में विभिन्न जगहों पर केसेस करके जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक ये अपना मुंह बंद नहीं करेगा। अगले कॉलर, जय हिंद। ये जो ओवैसी बोल रहा है कुत्ते की तरह, हाँ, किसको जरा एक बात समझा दीजिए कि अब सरकार बदल गई है। आपने बोला सरकार बदलने के बाद भी तो बोल रहा है, इसे बताइए कि तेरे हैदराबाद में टिकट पर सुनने के लिए लोग मोदी जी को आए थे, शायद दुनिया के पहले नेता है, और इस बार गृह मंत्रालय से कार्रवाई कराई जाए और इस देश के जो सेकुलरिज्म की बात करने वाले राजनीतिक दल है उन दलों को चैनल पर लाकर पूरे देश के लिए एक संदेश जाना चाहिए, एक डिबेट हो कि धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता क्या है इस देश के अंदर। ओबीसी पर आज देश के वो राजनीतिक दल जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं स्वयं और भाजपा पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उन लोगों को ओबीसी का स्पीच सुनाइए और उन्हें चैनल पर बुलाइए, चैनल पर बुलाने के। धन्यवाद, हम लोगों को बुलाएंगे, हम इस कार्यक्रम को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आज के एक घंटे के बिंदास बोल तक ये सीमित नहीं है, हमने जब भी ऐसे किसी विषय को उठाया तो उसको अंदर करके रहे हैं। अब भी ओवैसी पे कार्रवाई होने तक मैं रोज यहां स्टूडियो में आऊंगा और इसके भाषण सुनाऊंगा। या तो सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग कार्रवाई करे, आप लोग एफआईआर करे, नहीं तो इसके भाषण लगातार दिखाऊंगा तब तक जब तक कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती।
अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। बोल रहा हूँ मैं, बोलिए। पहले और केसवा से और आप और क्यों कर रहे प्रोग्राम, पब्लिक इससे और अटैक नहीं होता क्या? नहीं होता और पब्लिक और ये नहीं होता क्या? नहीं होता इससे तो ऑलरेडी पहले 2 महीना जेल भी जा गया है ना। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि जिन गुनाह के ऊपर 2 महीने जेल में जाके आया, जेल के बाहर आकर वही गुनाह अगर दोबारा कराए तो फिर क्या कोर्ट सो रहा है, पुलिस आंखें बंद कर बैठी है? और आप सभ्य समाज, आपने आपको जागरूक कहने वाला समाज इस पर क्यों नहीं बोलता है? इसीलिए तो आज का बिंदास लेकर आए है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैं माधवराव खानजोड़ी बोल रहा हूँ नांदेड़ से। बोलिए। हाँ वो आयुष्य ना उठ के बता खराब खराब बात कर रहा। हाँ वो औसा तलो का लातूर का है उन्हें। हाँ उसको है कि नहीं? हाँ उसके ऊपर 25 गुना दाखिल है औसे में। हाँ औसा में उसके ऊपर 25 गुना दाखिल है, फिर भी ये घूम रहा है। उन्हें घूम रहा पर कैसी तेरी बात करके हिंदू मुसलमान में हमारे भी दोस्ताने में बहुत गलत बात करके हंसा रहा है यहाँ पर कैसा नांदेड़ में। तो नांदेड़ के लोगों ने उसको नगर पालिका में भी जिता के दिया है। नांदेड़ नगर पालिका में जिता के दिया नहीं है, गलती से कैसे एक ही जगह है कि नहीं, पूरा मुसलमान वाला है छोटा पाकिस्तान। धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? समाज के लिए बहुत गलत है और ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों का तो छोड़ी, उसकी पार्टी जिंदा हो रही है, बढ़ रही है, सीट विजयी पा रही है। धन्यवाद। और कॉलर को कहूंगा कि नए नए तर्कों के साथ अपनी बात को कहे, अपने तर्कों को इस तरीके से रखे कि ओवैसी के कुतर्कों का मुंह बंद होना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगा कि जो इसके विचारों से सहमत नहीं वो आगे आए, इसके खिलाफ केसेस करे, फोन करे, अपनी बात को रखे, क्योंकि हर बार जब भी बोलने खड़ा होता है तो 25 करोड़ लोगों की बात करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ की बात करते हैं, ये कहता है 25 करोड़, भारत के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का यह दावा करता है। क्या इस दावे के साथ पूरे 25 करोड़ लोग हैं? अगर नहीं है तो अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर व्यक्त करें। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं सुशील वर्मा एमपी से बोल रहा हूँ। हाँ और ऐसे जो मक्कार लोग हैं जो देश में देशद्रोही का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक सच्चा हिंदुस्तानी ही सजा दे सकता है और हिंदुस्तानी को चाहिए कि इसे जिस चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। धन्यवाद। बीच चौराहे में देश में इसकी सभाएं हो रही है। महाराष्ट्र जैसे अपने आप को जागृत कहने वाले राज्य में बीच चौराहे पे सभा हो रही है, मैदानों में सभा हो रही है, तालियां बज रही है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, देश विरोधी झंडे फेर रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे कि बीच चौराहे पे इसको गोली मारनी चाहिए, इसको गाली देने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही, गोली मारने की बात कर रहे। जरा आपको दिखाते हैं कि ये हैदराबाद में इसका दल है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कुछ सीटें जीता है, महाराष्ट्र में केवल 2 सीटें जीती है, लेकिन ये बात करता है दुनिया को फतह करने की। देखिए जरा इसके इरादे क्या है। तिरुपति का व उनका जो भी है वहां बैठा हुआ, खुदा आपने अख्तराफा को खत्म करो। मैं दर्द मनाना अपील करता हूँ, मैं मजलिस का जिम्मेदार फायद हूँ, लेकिन मुसलमानों का खिदमत गुजार है और आपकी ताकत मेरी कामयाबी। मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। तिरुपति का व उनका जो
कहता है और दुनिया को फतह करने की बात करता है। महाराष्ट्र में दो सीट क्या जीते ये अपने आप को दुनिया को फतह करने की बात करता है। ये इसके इरादे इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तानी चुप है, 125 करोड़ इसके खिलाफ बोलते नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठाते नहीं है और इसलिए इसका नंगाना जारी है। हम बिंदास बोल भी जारी रखेंगे, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी। लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर अभी पिछले आधे घंटे से लोग चर्चा करें और हिंदुस्तानियों ने हिम्मत दिखाई है जो देश के राजनीतिक दल हिम्मत नहीं दिखा चुके हैं और बातें कर रहे, अपनी आवाज उठा रहे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। अभी भी आधे घंटे में हम आपके सामने बहुत कुछ दिखाएंगे, वैसे लगातार कई दिनों तक दिखाने का इसका कंटेंट हमारे पास है, आपके पास भी ओएसी के इस गंदी जबान का अगर कोई कंटेंट है तो हम तक जरूर भेजिए, इसके नारे भी हमको भेजिए क्योंकि इसका दल एक ऐसा नारा लगा रहा है जो हिंदुस्तान के लिए सोचने की बात है। यह नारा मैं चैनल से दावे के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोगों के पास इसके वीडियो है, मैं भी चैनल पर दिखाने लायक वीडियो के साथ आपको यह दिखाऊंगा जिसमें यह कहता है कि ऊपर छाता नीचे छाया, भागो हिंदू ओवैसी आया। हिंदुस्तान में हिंदुओं को भागने की बात करने वाला ओवैसी असल में कितना गंदा है, कितना जहरीला है, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करने की बात करता है, देशद्रोह का आरोप इसके ऊपर है और इसके भाषणों को लोग जाते हैं। देखिए इसका वो भाषण जो कि लोगों ने केवल उल्लेख किया लेकिन दिखाया नहीं, पहले वाला है लेकिन आपको इसकी दुष्टता की जानकारी हो इसलिए आपको दिखाता हूं कि यह हिंदुस्तान को बांटने की क्या बात करता है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 294 है, 294 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं, शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये, इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है। ये जो भाषण इसने यहां पर दिया है ये आंध्र प्रदेश के उस असेंबली की बात कर रहा है जहां पर दूसरे धर्मों के लोग भी है, दूसरे पार्टियों में मुसलमान भी है, लेकिन ये अपने दल को, अपनी पार्टी को, केवल अपने पार्टी को, अकेले के पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहता है। क्या भारत का कानून, क्या भारत का चुनाव आयोग किसी को धर्म के आधार पर पार्टी कहने की बात अलाउड देता है, परमिशन देता है? नहीं देता, लेकिन ये फिर भी कहता। मैं दोबारा चलाने के लिए इसको कहता हूं कि कैसे ये अपने आप को मुसलमानों का नुमाइंदा दिखाता है, कैसे ये हिंदू को वो 10 कौड़ी का 2 कौड़ी का तय करता है और अपने आप को 16 आने कहता है। देखिए इस वीडियो को दोबारा आपके साथ के खिलाफ आवाज उठाने की। अरे ये जमात की ताकत है, मजलिस की ताकत है। अरे हम असेंबली में खड़े होते हैं ना, 294 है, 294 पूरे एमएलए हैं, उसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं, शेरवानी वाले सिर्फ 7 हैं, लेकिन देखो 290 पे भारी है ये, इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है। क्या ये आपके 10 पे भारी है? आपको जवाब देना है कि क्या ये 10 पे भारी है और ये अपने आप में सबको जिस प्रकार से जोड़ लेता है इसका जवाब आपको देना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। सबसे पहले आपकी हिम्मत और देश प्रेम को मेरा सलाम। सर हम इतने कमजोर कब से हो गए जो वैसे सा एक कुछ बोल के चलाया था हम सुनते रहते हैं। वरुण गांधी आपको याद होगा, आपसे कुछ टाइम पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक भाषण दिया था, उन्होंने बोला था अगर हिंदू को पाकिस्तान उठाए मैं उसका उंगली काट लूंगा। इतने छोटे से बयान पे इतना बवाल हुआ, उनको जेल तक भेजा गया, लेकिन वैसे सा आदमी जो इतने गंदे वर्ड बोलता है हिंदुओं के लिए लेकिन उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी आप FIR की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, हिंदुस्तान FIR। सर हम क्यों करवाएं FIR?
नेशनल चैनल पे आप दिखा रहे हो, वो बंदा बोल रहा है, हजारों की भीड़ उसको सुन रही है, उसके लिए एफआईआर करवाने की क्या जरूरत है हमें सरकार? अरे सरकार अगर कायर होके बैठी है तो हम भी बैठेंगे क्या? लेकिन एक आम नागरिक आज के टाइम में एक एफआईआर करवाने में उनको कितनी प्रॉब्लम होती है आप सोच सकते हैं? अगर ये हम सोचेंगे जो हम आपके करीबी एरिया में जाकर अगर एफआईआर नहीं कर पाएंगे तो इसके क्षेत्र में रहने वाले बाकी देशभक्त बंधुओं को इसके हवाले कर देंगे? हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। सरकार को क्या करना है वो तय करे, वहां के प्रशासन में कितनी हिम्मत है या नहीं है वो तय करे, लेकिन हिंदुस्तानियों में क्या हिम्मत है वो दिखनी जरूरी है। अगले कॉलर, जय हिंद। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस वाले जो है हमेशा जो आरएसएस या नहीं तो बीजेपी की तरफ जो हमेशा भाषण जो बोलते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, वैसे ये खुलेआम चुनौती दे रहा है कि अपने हिंदू या कोई भी किसी भी मजहब के ऊपर उठाने का नाम और निशान ये है, ये लड़ाने वाले की बात हो गई है। इसके लिए मैं चाहता हूँ इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आइंदा कौन सा भी या अपने देश या नहीं तो अपने मजहब के या अपने संगठन के बारे में कोई बोला नहीं चाहे और ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए कि वो बाहर आने का नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, पहले तो बीजेपी शिवसेना मन से पार्टी को पहले बोल दो कि मुसलमानों को वो खड़े मत करो। फिर मुसलमानों को खड़े नहीं किया तो ये आए तो लोग नहीं आएंगे। चलिए, समझ में आप क्या करना चाहता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ, अशोक पंचाल दिल्ली से आगरा से। हाँ सुरेश जी, मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में बोला था कि पाकिस्तान जो है पीठ पीछे वार करता है। अगर हम पीठ घुमा के खड़े होएंगे तो पीठ पीछे ही कहा जाएगा ना। हाँ, और ये जो ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो है ये हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारी 56 इंच की छाती को ललकार रहा है। बिल्कुल, तो इसका क्या मतलब, कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा और इसीलिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद, बोलिए। आपके टीवी चैनल को पहले सलाम करना चाहूंगा कि जो इस तरह की न्यूज दिखा रहे हैं, वरना किसी में ऐसी हिम्मत ही नहीं है। कई वीडियोज ऐसे आ चुके हैं इसके। और दूसरा, मैं नरेंद्र मोदी जी को और अपने भारत निर्वाचन आयोग को ये कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ जो महाराष्ट्र में इसने जो बोला है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त। और जो ठाकरे जी के लिए जो बात कही है इसने, और ठाकरे जी जो मराठी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने दिखानी चाहिए इसका जो कह रहा है उसको एक उसके रूप में लेना चाहिए कि आखिर ये उनके यहाँ आके कह रहा है। ठाकरे, हम उद्धव ठाकरे को तो आह्वान कर चुके हैं कि इसके जवाब में हैदराबाद जाकर दिखाइए, देखते हैं जरा क्या होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ कि किस विषय पर चर्चा आप लोगों की चल रही है। चलिए जरा अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि ठीक से सुनकर फिर कॉल करिए। जय हिंद। हाँ बोलिए। सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल अबड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ, आज जिस प्रकार का ये ओवैसी बोल रहा है वह किसी षड्यंत्र का बू आ रहा है इसके बोलने में, क्योंकि यह चाह रहा है कि भारत गृह युद्ध में फंस जाए। बिल्कुल। और पाकिस्तान का मंसूबा हो सकता है, हमारे पास इतनी आईबी और इतने रा सारे लोग हैं, इसकी बहुत गहरी इंक्वायरी कराई जानी चाहिए और इसके ऊपर देश द्रोह का मुकदमा चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अपने आदत से बात नहीं आ रहा है। वह कुत्ते की दूम है कि पहाड़ के नीचे भी दबा के रखने से जो है वो होने वाला नहीं है। और इसको यह मालूम होना चाहिए कि जो है यह जिसकी बात कर रहा है वो कभी भी बहादुर नहीं रहे हैं। हिंदू हमेशा बहादुर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने कभी कायरता नहीं दिखलाई जिस तरह से कायरता दिखला रहा है। अगर इस तरह से करेगा
तो अपने पूरे मुसलमानों का ही दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन नहीं है, मुसलमानों का ही दुश्मन है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने मुस्लिम भाइयों को भी कहा है कि आपने आपको इसके साथ डिसोसिएट करें, अपने आपको इससे दूर अलग करें, क्योंकि 125 करोड़ की बात नहीं, केवल 25 करोड़ की बात बोलता है। हम आपको और भी इसके कई वीडियो दिखाना चाहते हैं, हमारे पास तो इसके इतने वीडियो है, YouTube पर पड़े हैं। कॉलर ने थोड़ी देर पहले कहा, वो सही है कि इतना सब कुछ YouTube पर पड़ा है, इंटरनेट पर पड़ा है, लोग WhatsApp पर भेज रहे हैं, सभाएं हो रही है, चुनाव के कैमरे हैं, लेकिन क्यों अभी भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? और इसलिए हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए, हम आपको इसका एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं कि ये क्या बोलता है। हमारी कौम का एक बुरा हाल हुआ, माफ करना, बहुत माफी के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहूंगा। कुछ भी हो गया तो पहले क्या करते, अदर भाई आ जाओ, अदर भाई आ जाओ, शमी भाई आ जाओ, राज भाई आ जाओ, अहमद भाई आ जाओ, हाफिज भाई आ जाओ, ख्वाजा कादरी साहब आ जाओ। अरे ये भाया आपके हैं, आना हमारा काम है, आना हमारा फर्ज है, आना हमारी जिम्मेदारी है, आके आपके हक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, ईमान का तकाजा है। हम आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, हमारे आने तक आप लोगों का मुकाबला करो। दो घंटे तक आप मुकाबला करो, दो घंटे के बाद हम कर लेते हैं। उसका तो करीम नगर वाले कर सकते ना भाई। ये कैसे मंच से दंगे का प्रशिक्षण दे रहा है, मैं दोबारा इसको चलाने के लिए कहूंगा कि ये कैसे दंगों का प्रशिक्षण दे रहा है खुले मंच से। क्या इस स्टेज के आसपास में पुलिस नहीं है? क्या इस स्टेज के आसपास में कोई जागरूक हिंदुस्तानी नहीं है? क्या कोई मीडिया वाला इस स्टेज के आसपास में नहीं है जो स्टेज से माइक से खुलेआम बता रहा है कि दंगा कैसा करना है, कैसे लड़ना है? आप लड़ते रहो, हमको फोन करो, हम दो घंटे में आ जाएंगे, आपको बचा ले जाएंगे। दंगे करने का प्रशिक्षण देने वाला आदमी खुलेआम घूम रहा है। दोबारा इसको दिखाइए। हमारी कौम का एक बुरा हाल हुआ, माफ करना, बहुत माफी के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहूंगा। कुछ भी हो गया तो पहले क्या करते, अदर भाई आ जाओ, अदर भाई आ जाओ, शमी भाई आ जाओ, राज भाई आ जाओ, अहमद भाई आ जाओ, हाफिज भाई आ जाओ, ख्वाजा कादरी साहब आ जाओ। अरे ये भाया आपके हैं, आना हमारा काम है, आना हमारा फर्ज है, आना हमारी जिम्मेदारी है, आके आपके हक के लिए लड़ना हमारा फर्ज है, ईमान का तकाजा है। हम आएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, हमारे आने तक आप लोगों का मुकाबला करो। दो घंटे तक आप मुकाबला करो, दो घंटे के बाद हम कर लेते हैं। उसका तो करीम नगर वाले कर सकते ना भाई। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अच्छा बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम ध्रुव नारायण हिंदुस्तानी है सर, और मैं ओवैसी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये जितने भी कुत्ते होते हैं या सियार होते हैं, ये झुंड में आते हैं, और जो शेर होता है वो अकेला आता है। तो मेरा संदेश दे दीजिए, ओवैसी की औकात है, तो एक बार वो हम हिंदुस्तानियों, सच्चे हिंदुस्तानियों के सामने आ करके एक बार ये जो बोलता है, एक बार बोल के दिखाए। फाड़ ना दे तो नाम बदल दीजिएगा सर। पहले FIR तो करिए। धन्यवाद। हम देखना चाहते हैं कि बात करने वाले हिंदू या बात करने वाले हिंदुस्तानी इसके खिलाफ कितने FIR करते हैं, कितने कोर्टों में, कितने पुलिस स्टेशनों में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया आती है, दावे दाखिल किए जाते हैं, आरोप पत्र दाखिल किए जाते हैं, इसको घसीटा जाता है, कितनी जगह पर इसको लेकर लोग बात करते हैं, कितनी जगह पर निवेदन दिए जाते हैं। आप जानकारी भेजिए, इसके खिलाफ जो भी कुछ करेगा, इसके असंवैधानिक चीजों के खिलाफ जो भी संवैधानिक जो काम करेगा, उसको हम पूरी प्रसिद्धि अपने चैनल से देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद श्रेय जी। हाँ सर, मैं
मैं जेएनके से सुनील चौधरी बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। सर मैं ये कहना है कि इस देश में अगर मोहन भगत जैसे जो लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं तो तब उन पर सौ सौ उंगलियां होती हैं। तो अगर ओवैसी जैसे लोग देशद्रोह शरेआम करते हैं, इन पर क्यों ये सभी पार्टियां जो है मौन रहती हैं? बिल्कुल। और मीडिया भी क्यों मौन रहता है, ये भी सवाल है। धन्यवाद। अगले कॉलर जय हिंद। हेलो। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर, सोम यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मुसलमान, हेलो। हाँ सर, मैं सोम यादव बोला, मैं सर ये कह रहा हूँ अगर ये मुसलमानों का हितैषी है तो जब यहाँ यूपी में दंगे होते हैं तो ये क्यों नहीं आते हैं? आज क्या कहते जम्मू कश्मीर में बाहर गए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं कि नहीं गए हैं? उन्होंने तो वहाँ क्या कहते हिंदू मुस्लिम कोई जात पात नहीं देगा। अगर ये मुसलमानों के हितैषी होते हैं तो जब दंगा होता है तब वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ये कुछ नहीं, बस ये नेता। बिल्कुल बिल्कुल, ये आग बुझाने वाले नहीं है, ये पानी पिलाने वाले नहीं है, ये आग लगाने वाले हैं। और इसलिए जब भी कहीं मुस्लिम भाई मुश्किल में फंसा तो ये वहां जाने का कोई उदाहरण, जितने कम से कम उतने जोर से जाने का उदाहरण नहीं है जितना जोर शोर से उतना नेता उनका नेता होने की बात करता है। अगले कॉलर जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो। हाँ मुझे ये बात बोलना। हेलो बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो बोलिए। हेलो जय हिंद सर। हाँ हेलो। हेलो बोलिए भाई। बोल रहा हूँ सर। हेलो हाँ हाँ बोल रहा हूँ। हेलो बोलिए क्या कहना है आपको। हेलो कहना चाहता हूँ कि जो ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, अपना हिंदुस्तान ही कभी पाकिस्तान में हेलो बोलिए। हाँ मेरा ये कहना है जय हिंद कि हाँ बोलिए। हेलो हेलो बोलते रहिए भाई साहब। हेलो हेलो करेंगे तब तक ये और 10 गालियां बकेगा। हाँ हमारा ये कहने का मतलब है कि जो कुत्ते भौंकते वो काटते नहीं है। अगर हाँ। इनमें इतनी कुदरत है तो नरेंद्र मोदी जहाँ भी इनकी पार्टी जीत रही है वहाँ ये रोक के बताएं। आज इनको ये पता नहीं कि कश्मीर भी नरेंद्र मोदी लेके रहेंगे। वहाँ अगर इनमें इतनी कुदरत है तो वहाँ की जनता को ये भड़का के बताएं कि उनको भी वो वोट नहीं दें। और ये दावा है हिंदुस्तान के सभी लोगों। इसने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीता कर लाई है, 2 सीटें महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती है, कई प्रतिशत वोट लिया है और अब ये दुनिया को फतह करने की बात करते हैं। हालांकि ये इसके ख्याली पुलावे हम जानते हैं, लेकिन 2 सीटें जीतना महाराष्ट्र की मर्द कहने वाली जमात को, वहां के अपने आप को सरदार कहने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लगाने वाले लोगों के लिए जरूर चैलेंज है। अगले कॉलर जय हिंद। राम रमेश बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बस इसका समय जल्दी आने वाला है, बस कुछ नहीं, बस कुछ दिन के बाद सोच लेंगे कि वो वैसी था नहीं था, ठीक है बस इतना आपको कहना है बस। हमको मैं इसको धन्यवाद, शायद ऐसा हो जाए और ऐसा होने के लिए ही हम दुनिया को, भारत को, हिंदुस्तानियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए। जो ओवैसी जैसे चूहे हैं जो बिल खोदने का काम करते हैं और उपजाऊ जमीन और लहलहाती सौहार्द की फसल को बर्बाद करने की साजिश करते हैं, इन्हें उठा के तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। चूहा इसलिए कहा क्योंकि ये बोलते हैं और बिल में घुस जाते हैं।
ये न मुसलमानों के हिमायती है न इस देश के हिमायती है, ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। और हिंदू और मुसलमान दोनों को समझना चाहिए, इनकी असलियत अब खुल चुकी है। खुद जनता इन्हें पत्थर मार मार कर इनसे तौबा कर ले, इनसे हाथ जोड़ ले कि हमारा देश शांति और अहिंसा वाला देश है। लेकिन जब भी शांति अहिंसा घर में रखिए, उसको ये लूट के लेके जा रहा है और आप शांति अहिंसा की बात करते रहे, ये उसका भी बलात्कार कर रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। मेरे को ये कहना है, मैं ये टीवी पे भी एक भाषण सुन रहा था हाँ। जो कि एक हिंदुस्तान के लिए एक इतना खतरनाक एक आदमी भाषण दे रहा है हाँ। और वो इतना अच्छा तेज भाषण दे रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान में हाँ। रहते हुए हाँ। हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर में जैसे RSS है और कई हिंदू संगठन है, वो एक पार्टी है या हिंदुओं के हित में काम करने वाले पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, तो अगर वो हिंदुओं के पक्ष में काम करती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती। और अगर ऐसे की बात करते हैं तो ये हम कह रहे हैं कि आखिर इसके खिलाफ कोई को बोल नहीं रहा है, राजनीतिक जमात को तो हम एक स्पेशल एपिसोड करके सवाल पूछेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को इसका उपाय पूछ रहे हैं कि आखिर इसका उपाय क्या हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, हिंदुस्तानी इसके लिए क्या करने को तैयार है, कितनी जगह पर FIR होता है, इसके आने वाले दिनों के कम से कम महाराष्ट्र के कितने कार्यक्रम कैंसिल होते हैं, इसकी जिसको संभाजीनगर औरंगाबाद कहते हैं वहां पर ये अपने विजय का जल्लोष करने वाला है, अपनी जो विक्ट्री वहां पर उसका सेलिब्रेशन करने वाला है, क्या वहां की जनता उस कार्यक्रम को होने देगी, क्या इसको दोबारा जहर फैलाने देगी, वहां का प्रशासन क्या करेगा। इन भाषणों को सुनने के बाद हम औरंगाबाद के प्रशासन को सवाल करते हैं कि आखिर वहां पर वो क्या बोलेगा, इसकी आप गारंटी देंगे, और अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा जिसको इसकी जिम्मेवारी किसी भी कीमत पर लेनी होगी। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ हेलो सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम नागी रेड्डी, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ हाँ। ये अकबरुद्दीन ओवैसी पहले इसको ऊपर अटैक हुआ था, हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल में इसको बचाया डॉक्टर रविंद्रनाथ, इसका नाम डॉक्टर रविंद्रनाथ, जो बताए उनको जान लेना चाहती, इतना हरम ये अकबरुद्दीन ओवैसी। इसका भाई असुलुद्दीन ओवैसी पाटा बस्ती है, मतलब पुराना बस्ती हैदराबाद में चारनार के पास, उसमें राशन शॉप में लूट करते सब चोर इन लोगों। उधर कांग्रेस वाले एक मंत्री दानम नागेंद्र वो देखने के लिए गया, उसको उसको दल्ले में पाव नहीं लगाने दिए असुलुद्दीन ओवैसी, इतना आराम लोग दोनों चोर है। ये हिंदू मुस्लिमों को स्टेज से भिड़ाने की बात करता है, ये हरे भगवे की बात करता है, कैसे करता है देखिए, इसका एक और वीडियो आपके सामने। कुछ कड़क मजबूत हो जाएंगे, वो ताकतवर हो जाएंगे। अरे करीमनगर में हरा झंडा लहरा रहा है, बड़े आप के साथ, बड़े ताप के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़ी शौकत के साथ, इस झंडे को झुकने न दो, इस झंडे की जगह अपने अख्तलाफात की वजह से गिरे हुए झंडे को आने मत दो। अगर ये गैरवे झंडे को रोकने की बात कर रहा है, जो लाखों सालों से आने वाला त्याग का प्रतीक है उसको रोकने की बात कर रहा है, और उसके खिलाफ हरे झंडे को बोल रहा है कि लहरा रहा है, हरे झंडे को एक मिलाकर और सफेद उसके साथ जोड़कर तिरंगा बनाने की ये बात नहीं करता, एक दूसरे को लड़ाने की बात करता है, और फिर भी इसके भाषणों को परमिशन दी जाती है, फिर भी चुनाव के लिए इसको जगह मुहैया कराई जाती है, ये प्रचार करता है, ये प्रचार है या दुष्प्रचार, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा, हम चुनाव आयोग को भी उसके जिम्मेवारी से भागने नहीं देंगे। ये सारे वीडियो के साथ हम चुनाव आयोग के सामने जाकर कहेंगे कि क्या ये एक संवैधानिक है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी बताएं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपका। जय हिंद सर। हाँ, मैं आपके माध्यम से सर महाराष्ट्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इसके जो है एक जगह नहीं हजार जगह जो है इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, और ये दूसरा अबू बकर बगदादी बन रहा है मेरे ख्याल से हाँ। और इसको अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद,
बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ हेलो सर। मैं क्या सोचता हूँ सर, मैं नांदेड़ जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं सोचता हूँ क्या ओबीसी का मतलब वो राइजिंग ऑफ जीना, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल 100% 1000% लगता है कि आपने आपको जिना की तौर पर प्रोजेक्ट करा है, या आपने आपको जिना की तरह पेश करा है, या आपने आपको जिना का प्रतीक के रूप में पेश करा है। और ये टोपी भी वैसे जानबूझकर पहनता है, भाषा भी वो लेता है, और इसका जो कुल मिलाकर सारा रवैया है वो जिना जिना और जिना बनने की दिशा में है। अगर इसको जिना बनकर देकर हिंदुस्तान को तोड़ने का और टूटने तक शांत बैठने का आपका इरादा है तो आप चुप बैठिए, लेकिन हम नहीं बैठेंगे, हम बोलते रहेंगे। हम सुदर्शन के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए करेंगे। हम आपके सामने इसके वो चीजें दिखाएंगे जिससे कि आपका स्वाभिमान जागृत हो जाए, कम से कम कानूनी चीजों का आप सहारा ले। और अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो फिर जिना का दूसरा सपना जरूर पूरा होगा। जिस प्रकार से ये पूरे वाकये को ये अंजाम दे रहा है, आप देखिए इसका पहराव भी ये जिना की तरह है, और अपने आप को मॉडरेट भी पहनाकर दिखाकर लोगों को, आज के युवा मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करता है। मैं एक और ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो इस देश में साईं बाबा पर सवाल उठाने वाले, साईं बाबा को मुसलमान कहने वाले शंकराचार्य के उन भक्तों को पूछता हूं कि अभी साईं बाबा आपके पहले दुश्मन है कि ये आपका पहला दुश्मन है, बताइए ये शंकराचार्य को भी क्या कहता है, सुनिए। शंकराचार्य के खिलाफ ये कैसे क्या क्या शब्द, किसी दलित से पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रभु शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ और वो आचार्य का बोध किसी दलित समाज वाले को दे दो तो मैं समझूंगा। कहूंगा कि ये इसको जरा दोबारा दिखाए, हिंदुस्तान में जहर फैलाने वाले अब इसको सुने और बताए कि शंकराचार्य के बारे में ये बोल रहा है, शंकराचार्य इस पर क्या आदेश देते हैं और क्या कहते, इसको दोबारा सुने कि ये शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर जहां के प्रभु शंकराचार्य होते हैं, उन आचार्यों को हटाओ और वो आचार्य का बोध किसी दलित समाज वाले को दे दो तो मैं समझूंगा। आज तो हमने आपके सामने बस इतना ही दिखाया है, इतना पर्याप्त नहीं है, और बहुत कुछ है। कल फिर मैं आपके सामने बिंदास में इसके और वीडियो लेके आऊंगा, परसों फिर लेके आऊंगा। इन तीनों में, तीन दिनों में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो सोमवार से फिर आपके सामने और वीडियो लेकर आऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। आप भी मत छोड़िए, क्योंकि जिस प्रकार से जहर फैला रहा है, उस जहर फैलाते हुए व्यक्ति को हिंदुस्तान में खुला छोड़ना मतलब 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के ईमानदारी पर, उनके देशभक्ति पर, उनके पुरुषार्थ पर और उनके मर्द होने पर सवाल है। आपको तय करना है कि आप इसको खुली छूट देंगे या हिंदुस्तानी मर्दानी होने का अपना सबूत देंगे। आज के लिए इतना है, जय हिंद। हम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। बड़े ठाकरे, कहां के ठाकरे, भाग रहे आओ।